तो बच्चों आज हम जो है नीट 2020 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो अभी सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है जो हम इसमें देख रहे हैं ये है व्हाट इज़ द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है और CH4 से कार्बन चेंज हो रहा है CCl4 में। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना है कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि CH4 जो है अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात करें तो हाइड्रोजन इज जनरली टेकन एज +1 स्टेट। तो अगर हम कार्बन पे देखेंगे तो समीशन वाला मेथड आपको पता ही है कि कार्बन का एक्स मान लेते हैं हम और 4 हाइड्रोजन के लिए +1 है और पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 है तो एक्स इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो कार्बन यानी मीथेन में जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 होगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग दिस CCl4 इज कन्वर्टेड इनटू CCl4 CH4 is converted into CCl4. For chlorine, the rule is that कि halogen generally having -1 oxidation state. अगर मैं -1 state इसे देता हूँ carbon को x मानकर 4 chlorine means -1 and the sum of charge of all atoms is the charge present on the molecule. So it is a 0, the total charge on the molecule. So the x will be equal to +4. So the correct answer is oxidation state changing from -4 to +4. ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा -4 to +4 जो कि फोर्थ ऑप्शन है। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2 आयन इज। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि क्रोमियम का सबसे पहले तो हम देखें कि क्रोमियम जो है एटॉमिक नंबर इसका होता है 24। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s1, 3d5। अब आप सबको पता होगा कि क्रोमियम इज काउंटेड इन एक्सेप्शन। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम आबाव प्रिंसिपल फॉलो करवाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन बिकॉज ऑफ द मोर स्टेबिलिटी ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन ये आता है D5 कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी की वजह से, तो दिस इज काउंटेड एज एक्सेप्शन इन द अगेंस्ट द अबव प्रिंसिपल। अब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि क्रोमियम इज प्रेजेंट इन +2 स्टेट। ठीक है, अब +2 स्टेट में अगर क्रोमियम है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो ये वाला रिमूव होगा। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी, ये वाला क्यों रिमूव होगा क्योंकि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होता है पहला इलेक्ट्रॉन उसमें से जाता है, उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है तो 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा बचेंगे 4। तो क्रोमियम 2 के केस में +2 के केस में ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d4। ठीक है, अब हमें क्या करना है d4 देखना है। ठीक है, d4 अगर मैं भरूँ, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, अगर मैं d4 में ये भरता हूँ तो यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा अंतिम इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरने हमें, और यहाँ से ये खाली रहेगा तो 4 हम इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या n यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, फार्मूला आप सबको पता होगा कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ तो अंडर रूट n(n+2) से लिखते हैं अपन, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n4 रख देता हूँ तो ये चीज़ आ जाएगी अंडर रूट 4 × 6, ये हो जाएगा अंडर रूट 24, यानी कि ये हो जाएगा 4.9 के आसपास, और यूनिट इसकी बोर मैग्नेट्रॉन में लिख देता हूँ। ठीक है, तो आंसर चेक करते हैं हम। ठीक है, तो ये आंसर जो थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं वो 4.90 है, तो द करेक्ट आंसर इज आंसर 3 ऑप्शन। हम देख रहे हैं आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। पहला ऑप्शन है O2, HE2, Li2 और C2। अब ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये है केमिकल बॉन्डिंग में MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करके टोटल और जो ऑर्डर होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग उसमें हमें भरना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ और फिर भरने के बाद हम उस ऑर्डर में वहाँ पर जो है एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे जो है आंसर्स के साथ ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि आंसर इज Hb2। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ऑर्डर होता है σ1s, फिर σ1s*, उसके बाद σ2s, फिर उसके बाद σ
2s स्टार और उसके बाद अकॉर्डिंगली आगे वाले ऑर्बिटल आते हैं। हीलियम 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2+2=4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे भरना है तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से, यानी कि σ1s2 और σ1s2 स्टार, यानी केवल ये दो ऑर्बिटल में भर देता हूँ पूरी तरीके से। ठीक है, ये भरने के बाद ये वाले जो ऑर्बिटल हैं इनको हम कहते हैं बॉन्डिंग। ठीक है, और स्टार जिस पे लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, हमने काउंट कर लिया, इसको मैंने बॉन्डिंग को लिख दिया NB और इसको एंटी बॉन्डिंग को मैंने लिख दिया NA। ठीक है, अब इसके आगे का स्टेप क्या है कि वी हैव टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जो है उसका फार्मूला होता है 1/2 यहाँ से NB-NA और ये इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें रखता हूँ तो 1/2 NB हमारे पास कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन -2 तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0। ठीक है, अब 0 बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है? बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली बताता है हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है कि वो कितने आ रहे हैं हीलियम 2 के लिए 0। ठीक है, इसका मतलब देर इज नो बॉन्ड, और नो बॉन्ड का मतलब ये है कि जिनके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर 0 या उससे कम आता है वो स्टेबल नहीं होते नेचर में। इसका मतलब नो बॉन्ड के केस में हमें कह सकते हैं कि हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और बाकी ऑप्शन अगर हमें चेक करना है, ठीक है, तो हम इसी तरीके से इस आगे इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए भरते जाएंगे। तो आंसर जो है वो हमने क्या देखा, इसका हीलियम 2 जो है करेक्ट आंसर है, O2 लिथियम 2 और C2 आप इसी तरीके से भर के देख सकते हैं। है वो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैज OO लिंकेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक ट्रिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि अगर आप सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे एक ऑप्शन को छोड़ के सब में +6 आएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऑक्सो OO लिंकेज किसमें है। अगर आप पहले ऑप्शन H2S2O7 H2SO3 H2SO4 इन सब में देखें तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो +6 आता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम होता है। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब मैं फोर्थ ऑप्शन के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन में H2S2O8 लेता हूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए नॉर्मली हम +1 लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे -2 लेते हैं नॉर्मली। सल्फर अगर मैं यहाँ से सोल्व करूँगा तो ये यहाँ से आएगा +7 जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो +6 इसका मैक्सिमम है और अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर इस केस में जब एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही हो ऑक्सो एसिड में अगर, तो एक संभावना बनती है कि वहाँ परोक्सी लिंकेज हो सकता है। तो हमारे पास वैसे ट्रिक से पता लग गया कि यहाँ पे परोक्सी लिंकेज संभव है। ये जो एसिड है इसे हम बोलते हैं डाई पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका जो कॉमन नाम है वो है मार्शल एसिड और दूसरा नाम है डाई पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बना दिया सबका ऑक्सी एसिड्स में, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। H2S2O7 का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, इसके बाद H2SO3 का स्ट्रक्चर ये है, H2SO4 का स्ट्रक्चर ये है, और परोक्सी लिंकेज रखते हुए H2S2O8 का स्ट्रक्चर ये है। तो परोक्सी लिंकेज हम किसको बोलते हैं, इस वाले बॉन्ड को, OO बॉन्ड को। तो किसी मॉलिक्यूल में अगर OO बॉन्ड होता है तो दैट इज हैविंग परोक्सी लिंकेज। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, जो कि है H2S2O8 पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन हम जो देखने जा रहे हैं ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का, और इसमें लिगेंड की स्ट्रेंथ पूछी है। लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये एक तरह से ये मान लीजिए कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन था एंड दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यदि हम देखें तो लिगेंड की जो स्ट्रेंथ होती है, तो हम नॉर्मली किन किन लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, यदि किसी में कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम है। ठीक है, तो डोनर एटम के केस में हम यहाँ पे इन लिगेंड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानते हैं, जैसे कि एक ऑप्शन यहाँ पर है CN-, तो दैट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, अगर किसी में सल्फर, हैलोजन, ठीक है, जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन, ये डोनर एटम है, तो इस केस में हम यहाँ पे ये डोनर एटम होगा तो इसको हम मानेंगे वीक लिगेंड। ठीक है,
तो रिलेटिव ऑर्डर आपको याद करना होता है, तो उस हिसाब से जो है ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में भी सल्फर जो है वो कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो लास्ट ऑप्शन इसका सबसे वीक होगा, HCN माइनस, फिर हेलोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन डोनर और उसके बाद कार्बन डोनर। तो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रीड आउट करता हूँ। द नंबर ऑफ फैराडेज हैव रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2 एटॉमिक नंबर गिवन एज 40 ग्राम पर मोल इज। तो देखिए ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक काम करते हैं कि कैल्शियम जो है CaCl2 में कैल्शियम पड़ा हुआ है Ca+2 की फॉर्म में, ठीक है। अब कैल्शियम Ca+2 की, मैं इसको दोनों मेथड से कर सकता हूँ, इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी मोल कंसेप्ट, दोनों मेथड से देख लेते हैं हम कि ये कैसे किया जा सकता है। Ca+2 जो है, अगर मैं इसको दो इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, Ca+2 को यदि मैं दो इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ तो इसका मतलब कैल्शियम एक्सेप्ट हो जाएगा। अब कैल्शियम जो है स्टोइकोमेट्री, ये बैलेंस रिएक्शन है आपके सामने, तो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से अगर मैं यहाँ एक मोल इसको एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे दो मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कैल्शियम कितना एक्सेप्ट करवाना चाह रहा है, 20 ग्राम, और मोलर मास इसका है 40, मीन्स कैल्शियम इज विल बी 1/2 मोल, इतना आधा मोल हमें एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो इसका मतलब अगर आधा मोल है, मैं यूनिटरी मेथड से कर रहा हूँ इसे, हाफ मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फेराडे चार्ज विल बी द आंसर। ये तो हमने किस हिसाब से कर लिया, ये हमने मोल से कर लिया। अगर इक्विवेलेंट कंसेप्ट से करना चाहे तो Ca+2+2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बनेगा एक्चुअली Ca। अब यहाँ इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो होगा 2, ये जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी फैक्टर होता है। मोल हमने देखा कि आधा मोल है, तो इक्विवेलेंस होते हैं मोल मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। इसे मल्टीप्लाई करूँ तो 1 इक्विवेलेंट कैल्शियम का डिपॉजिट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट लॉ ये बोलता है कि 1 इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस के लिए 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन चाहिए जिन पर चार्ज होता है 1 फेराडे। तो चाहे आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट से करो, चाहे आप यहाँ पे जो है मोल कंसेप्ट से करो, द आंसर इज 1 फेराडे, ठीक है। तो द आंसर इज ऑप्शन 2 इज गिवन एज 1 फेराडे। अगला क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन है हमारा एक तरह से डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में अब जैसे पहला ऑप्शन में चेक करता हूँ, इसमें द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, अब क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Cr(O4-2) एंड Cr(2O7-2) आर नॉट द सेम, जबकि हमें ये पता है कि Cr(O4-2) में अगर ऑक्सीजन को -2 स्टेट देते हैं हम, तो क्रोमियम आने वाला है +6 स्टेट में। और इसी तरीके से Cr(2O7-2) में अगर मैं ऑक्सीजन को -2 स्टेट देता हूँ तो चार्ज ऑन क्रोमियम इज +6। इसका मतलब दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, पहला। दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। Cr+2 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2 इन वाटर। ये बेस्ड है कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो डेटा है, SRP का जो डेटा है वो NCERT में दिया हुआ है, उसके बेस पर ये कंक्लूजन है जो कि फैक्चुअल डेटा होगा। तीसरा ऑप्शन है द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये NCERT में सीधा लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स आसानी से बना सकते हैं ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि वो आराम से जो है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं और छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है ये भी NCERT की लाइन है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्मड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक HC और N आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम किसको बोलते हैं कि सॉलिड में एटम्स जमे होते हैं और एटम्स के बीच में खाली जगह होती है, अगर उन खाली जगह को छोटे एटम से भर दिया जाए, छोटे एटम कौन से होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो इस तरीके से उनको ट्रैप करवा दें हम, तो इस तरीके से बनने वाला जो कंपाउंड है उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट है, इनकरेक्ट हमें छांटना था जो हम पहले छांट चुके हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑप्शन जो है वो है कि यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए विच विल डीकम्पोज टू फॉर्म बी, बी वेन पास थ्रू Cr+2 एक्वस डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन सी इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन जो है हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस का भी क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डी ब्लॉक में भी रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तो यूरिया जो है, सबसे पहले तो हम देखें यूरिया जो है इट इज़ यूज एज ए फर्टिलाइजर, सबको पता है, और यूरिया इसलिए दिया जाता है ताकि मिट्टी में वाटर से रिएक्ट करके अमोनिया गैस प्रोड्यूस करे जो कि वहाँ पर प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है।
तो यूरिया का जो फार्मूला है NH2CONH2, यदि हम इसकी वाटर से रिएक्शन करवा देते हैं तो इससे CO2 गैस बनती है और साथ में कंपाउंड बनता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कंपाउंड अगर हम रख दें तो ये बेस जो है ऑटोमेटिकली क्या करता है, अमोनिया गैस लिब्रेट करता है अलोंग विद वाटर। ठीक है, तो यहाँ जिस गैस की बात हो रही है दैट इज अमोनिया गैस, और अमोनिया गैस को अगर कॉपर प्लस टू के सॉल्यूशन में से पास कर दिया जाए, ठीक है, तो कॉपर की एक टेंडेंसी होती है कि इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किस कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। फार्मूला क्या होता है कि कॉपर 4 अमोनिया मोलिक्यूल के साथ जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है प्लस टू स्टेट में, और दिस इज द करेक्ट आंसर। कि अगर हम क्या पूछा जा रहा है इसमें कि वाट इज द फार्मूला ऑफ सी फ्रॉम द, तो जो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन सी पूछ रहा है ये किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, एंड कॉम्प्लेक्स इज इन द थर्ड ऑप्शन CuNH3+2। अगला क्वेश्चन जो है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेंड एट एनोड विल बी। तो ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करवाना चाह रहा है, डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, इसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है। डाइल्यूट H2SO4 में अगर हम देखें तो एक तो कंपोनेंट होगा वाटर, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है H+ में टूट जाएगा, और एक होगा यहाँ पे सल्फेट आयन SO4-2। अब देखिए जब ये बात कर रहा है एनोड की, ठीक है, तो एनोड पर हमारी जो रिएक्शन होती है वो होती है हमेशा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी तो नॉर्मली एनोड पर कौन पहुँचता है, या तो न्यूट्रल मोलिक्यूल पहुँचता है या फिर एनायन पहुँचता है। ठीक है, एनायन हमारे पास है सल्फेट आयन। ठीक है, तो सल्फेट आयन +6 स्टेट में है, और अगर मैं कहूँ कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सल्फर जो है +6 इसकी हाईएस्ट स्टेट में है, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हमें ये पता चल गया कि सल्फेट का तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, अब मैं कहूँ कि यहाँ पे जो है नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वाटर। ठीक है, तो वाटर के केस में वाटर का अगर एनोड पे पहुंचता है तो वाटर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा इसका, और साथ में इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो H+ आयन जनरेट करेगा बैलेंस करने के लिए, और फिर अगर H+ दे देगा तो ये ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिब्रेट करने वाला है। ठीक है, अगर मैं बैलेंसिंग कर दूँ इसे तो 2H2O से अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 4H+ निकल जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन जाएंगे और O2 यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो एनोड पे रिलीज होने वाली गैस कौन सी है, दैट गैस इज ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑब्टेंड एट एनोड विल बी, तो आंसर करेक्ट होगा ऑक्सीजन गैस विच इज एट थर्ड पोजिशन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में जो है ये चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें 1 ग्राम जो है हर कंपाउंड का दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिथियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। तो इसमें सिंपल ट्रिक तो ये है कि 1 ग्राम सेम है, मास सेम है, और एटम उसमें ज़्यादा होंगे जिसमें मोल ज़्यादा है। ठीक है, मोल उसमें ज़्यादा होंगे जिसका मोलर मास कम होगा। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं आंसर टिक करें तो वो कौन सा हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, क्योंकि लिथियम का मोलर मास यहाँ सबसे कम होगा 7 ग्राम, और अगर मैं उसे डिवाइड करता हूँ तो मोल इसके मैक्सिमम आएंगे, और मोल मैक्सिमम आएंगे तो एटम इसके मैक्सिमम आने वाले हैं। ठीक है, एक कन्फ्यूजन बच्चे को हो सकता है कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को कैसे डील करें। ठीक है, तो अगर मैं 1 ग्राम लिथियम बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें मोल कितने होंगे, 1/7 मोल होंगे, और इसमें एटम्स कितने होंगे, इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर Na। लेकिन अगर मैं 1 ग्राम O2 बोलता हूँ तो इसमें मोल होंगे 1/32। ठीक है, 1/32 मोल है, और उसमें मॉलिक्यूल, चूँकि ये O2 स्पीसीज है, तो इसमें मॉलिक्यूल होंगे 1/32 Na। ठीक है, और अगर इसमें एटम्स देखूँ तो चूँकि O2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो एटम्स की संख्या होगी 2 × 1/32 Na। इसका मतलब ये हो गया 1/16 Na। स्टिल अगर मैं इस नंबर को कंपेयर करूँ 1/16 Na को 1/7 Na से, तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि लिथियम इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि उसमें एटम की संख्या ज़्यादा है।
अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद ए सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज। तो इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है, सॉलिड स्टेट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि बॉडी सेंटर क्यूबिक होता कैसे है। बॉडी सेंटर क्यूबिक में जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर में जो इस क्यूब के कॉर्नर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे एक एक एटम हमें रखना है, ठीक है, यानी मैं एटम ड्रॉ करता हूँ 1, 2, 3, 4 और उसके बाद ये कॉर्नर्स पर, चार और कॉर्नर्स पर, और एक बॉडी के सेंटर में भी एटम होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये बॉडी सेंटर एटम पूरे 8 एटम को टच करेगा, तो ये तीनों एटम जो है एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। एज लेंथ हम इसको बोलते हैं जो कि क्वेश्चन में 288 दिया हुआ है। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस को देखूं जिसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, ठीक है, तो बॉडी डायगोनल जिसे डिस्टेंस अगर मैं एक्स टू वाई बोल देता हूँ, तो एक्स वाई बॉडी डायगोनल होगा √3a, ठीक है। अब √3a ये डिस्टेंस है और ये तीनों एटम कैसे दिखाई देते हैं हमें, एक दूसरे से कनेक्टेड इस तरीके से। तो सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस ये हो जाती है हमारी r, इधर 2r और ये r, तो टोटल डिस्टेंस 4r इज इक्वल टू √3a। तो ये √3a इज इक्वल टू 4r मैंने कर दिया, ठीक है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4 इंटू a, और a इज ए एज लेंथ जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 288। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, √3/4 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इधर कॉलम में हमें दिया हुआ है ऑक्साइड और उधर दिया हुआ है नेचर। पहला ऑप्शन हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमें याद रखना होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। BaO जो ऑक्साइड है अगर वाटर से रिएक्शन कराए तो ये BaOH2 देता है और BH2 इज ए बेस, तो बी ए हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड। Al2O3 ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्योंकि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, और Cl2O7 यदि वाटर से रिएक्शन करता है तो ये एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि ये एसिड प्रोड्यूस करता है। तो ऑक्साइड को हम इसी तरीके से देखते हैं, न्यूट्रल जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन ना करे, बेस जो कि पानी में जो है ऑक्साइड को डालने पर यदि बेस प्रोड्यूस हो तो बेसिक ऑक्साइड, यदि कोई ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है तो वो कहलाता है एम्फोटेरिक, और यदि कोई ऑक्साइड पानी के साथ एसिड देता है तो एसिडिक ऑक्साइड। तो इस हिसाब से आप समझ ही गए हैं कि CO इज ए न्यूट्रल, BaO इज बेसिक, Al2O3 इज एम्फोटेरिक एंड Cl2O7 इज ए एसिडिक, ठीक है। तो ये हमें मिलाना था, करेक्ट ऑप्शन इज 3, तो यहाँ से हमें मैच करते हुए इन ऑप्शन को चूज करना था, थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसेस इन ए सिलेंडर कंटेंस 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑर्गन। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द सिलेंडर इज 27 bar, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज। एटॉमिक मास हमें नाइट्रोजन का 14 दिया हुआ है, ऑर्गन का 40 दिया हुआ है। तो भेजिए ये क्वेश्चन किसका है, गैसीय स्टेट चैप्टर का है, और किस पे बेस्ड है, डाल्टन लॉ पे, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं कि 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, टोटल प्रेशर 27 bar है। सबसे पहले तो हम क्या काम करें कि 7 ग्राम नाइट्रोजन को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मोल N1 इज इक्वल टू 7/28, ये हो जाएगा इसका मोल 1/4 mole, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ है 8 ग्राम ऑर्गन, तो इसका मतलब इसके मोल N2 हो जाएंगे इज इक्वल टू 8/, इसका मोलर मास 40 दिया हुआ है तो 1/5। अब देखिए नेक्स्ट काम हमारा क्या है, नेक्स्ट काम है मोल फ्रैक्शन निकालना। हमसे पूछा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं काम करता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेता हूँ, जो कैसे निकलेगा, मोल नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स, जिसमें मैं लिख सकता हूँ एन नाइट्रोजन अपॉन एन आर्गन गैस। एन मोल नाइट्रोजन के 1/4 हम निकाले हैं, 1/4 प्लस 1/5। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 20/9, ठीक है, जो कि चीज़ कितनी होगी 5/9। तो ये मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का आ गया। अब डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन उस गैस का मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, ठीक है। तो इस हिसाब से मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन का 5/9, ठीक है, और टोटल प्रेशर है 27। यदि हम इसको डिवाइड करें तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 15 bar,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा डाल्टन स्लो पे बेस्ड, और ये यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 15 बार, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2Cl2Cl2 द करेक्ट ऑप्शन इज, तो ये एटॉमिक फॉर्म में दो क्लोरीन एटम को मिला रहा है और उससे क्लोरीन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में बना रहा है। ये क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का, तो हम किस तरीके से सोचेंगे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम ये है, इसमें चेक कर रहे हैं कि एंथैल्पी चेंज जो है वो कितना होने वाला है। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज रिएक्शन लिखता हूँ मैं नीचे, ये बोल रहा है कि 2Cl से Cl2 बना रहा है। ठीक है, आपको पता है कि जब Cl2 बनेगा तो ये दोनों क्लोरीन एटम अलग अलग थे और फिर इनमें बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, बॉन्ड अगर बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड अगर तोड़ते हैं हम तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। चूँकि यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज होने वाली है, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच क्या होने वाला है, नेगेटिव, यानी लेस देन जीरो। एक चीज़ हमें पता लग गई। फिर हम बात करते हैं एंट्रोपी की, तो हमें ये पता है कि रैंडमनेस अगर बढ़ती है तो एंट्रोपी एस की वैल्यू भी बढ़ती है, एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आपको पता है कि एटम पहले रैंडम थे और फिर उसके बाद ही जुड़ गए, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ कि डिसऑर्डर जो सिस्टम में था वो डिसऑर्डर में कमी आई। डिसऑर्डर में कमी आएगी तो एंट्रोपी में कमी आएगी, और किसी फंक्शन में कमी आ रही है तो उसका चेंज डेल्टा एस वो होगा नेगेटिव, मीन्स लेस देन जीरो। तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस लेस देन जीरो और एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच लेस देन जीरो। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं डेल्टा एच लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस लेस देन जीरो, ये इसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये है, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, और ये कहाँ आता है, जब हेमहोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो डबल लेयर हमें ये समझाता है कि हाउ कोलाइड पार्टिकल्स आर बिकमिंग स्टेबल। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोलाइड पार्टिकल कैसे स्टेबल हो रहा है, सपोज़ कीजिए कि हम AgI जो है, अगर हम यहाँ पर जो है AgI को स्टेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो AgI में जैसे सपोज़ कीजिए हमने KI डाल दिया। ठीक है, तो AgI इज इनसॉल्यूबल सॉल्ट और KI इज इलेक्ट्रोलाइट जो हमने इसमें स्टेबिलिटी बनाने के लिए डाला है। तो होता क्या है कि जो AgI का पार्टिकल है दैट विल अट्रैक्ट I- पार्टिकल्स अराउंड इट एंड इट विल फॉर्म प्राइमरी लेयर। ये फर्स्ट लेयर बनेगी जो कि फिक्स्ड लेयर होती है, और फिर उसके पास यहाँ पे सेकेंडरी लेयर बनेगी K+ की। ये डबल लेयर बनती है यहाँ से, इसलिए अपन इसे बोलते हैं इस कंसेप्ट को हेमहोल्ट्ज डबल लेयर कंसेप्ट। तो होता ये है कि यहाँ से एक डिफ्यूज टाइप की लेयर बनेगी जो कि इसके अराउंड होगी। अच्छा, पूरे पार्टिकल पे चार्ज क्या आ गया I- के आने से, AgI पे I- का एड्सॉर्प्शन हुआ, तो पूरे पार्टिकल पे चार्ज क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो नेगेटिव आयन जो है, ये मॉलिक्यूल एग्रीगेट, ये पॉजिटिव आयन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो डबल लेयर इसी को बोलते हैं, और इस वजह से कोलाइड पार्टिकल में स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो ये जो पूछ रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन के लिए हम जीटा पोटेंशियल को यूज़ करते हैं, तो जीटा पोटेंशियल, अच्छा जीटा पोटेंशियल किसको बोलते हैं कि जो मैंने दो लेयर बनाई है अभी, ठीक है, हेमोल्टेज डबल लेयर कंसेप्ट में, दोनों लेयर के बीच में चूंकि अपोजिट चार्ज है इसलिए एक पोटेंशियल डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन चार्ज, और दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। ये पोटेंशियल ज़्यादा कब होगा, चार्ज जितना ज़्यादा होगा ये पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी होगी। इस वजह से वी कैन यूज जीटा पोटेंशियल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कि सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ ए रिएक्शन लीड टू चेंज इन, ऑप्शन दिए हुए हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो पहले तो एक कर्व पे मैं बना दूं कि अगर यहाँ पे हम जैसे कर्व बनाते हैं केमिकल काइनेटिक से, तो इस तरीके से ये ऊपर वाला लेवल थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं, यहाँ प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, इन दोनों का गैप जो है वो डेल्टा एच कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी ईए। ठीक है, तो ईए को चेंज करने के लिए हम कैटलिस्ट डालते हैं। ठीक है, ईए को चेंज करने के लिए हम कैटलिस्ट डालते हैं।
यदि हम रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि रिएक्शन जो है बढ़ जाती है, ठीक है। रिएक्शन क्यों बढ़ जाती है कि अगर आप ज़्यादा मॉलिक्यूल डाल दोगे तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन का जो अमाउंट है, कोलिजन की संख्या है, वो बढ़ जानी है। और कोलिजन जितने ज़्यादा बनेंगे प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बनने वाला है, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि रिएक्टेंट अगर मैं बढ़ाता हूँ तो रिएक्टेंट बढ़ाने से अगर आप ये मानते हैं कि रिएक्शन की रेट बढ़ती है, ठीक है, तो रेट बढ़ने का मतलब क्या चीज़ बढ़ रही है वहाँ, कोलिजन। तो एक्चुअली जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी होती है, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोलिजन फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आंसर अगर हम देखें इसका, इस क्वेश्चन का, तो रिएक्टेंट डालने पर ये बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। इवन कैटलिस्ट डालोगे तो हीट ऑफ रिएक्शन भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल चेंज हो जाता है कैटलिस्ट डालने पे, लेकिन रिएक्टेंट का इन पे कोई प्रभाव नहीं है। रिएक्टेंट नंबर ऑफ कोलिजन को बढ़ाएंगे, इसका मतलब कोलिजन फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी इसके साथ। क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है CO2 इज यूज एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर हमारे घरों में होता है, इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता क्या है, जो कूलिंग के काम आता है इस एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन के दौरान, तो रेफ्रिजरेंट जो है वो आइसक्रीम और फ्रोजन फूड के लिए जो पॉपुलर यूज करना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ करते हैं, HFC, ठीक है। CO2 जो है बहुत पुराने समय में यूज़ किया जाता था इनिशियल डेज में, लेकिन अभी जो पॉपुलर यूज़ करते हैं वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन है द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेंस 12-6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। ये क्वेश्चन हमारा है बोरोन फैमिली से, बोरोन कार्बन फैमिली से। तो कार्बन फैमिली में एक आता है एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो एलोट्रॉप जो है फुलरीन्स जो होता है, मेन मेड एलोट्रॉप होता है कार्बन का, ठीक है। तो एलोट्रॉप में कार्बन 60 ये मोस्ट सिमेट्रिकल कंपाउंड नेचर में पाया जाता है, बकमिंस्टर फुटबॉल इसको बोलते हैं। इसमें 20 जो है 6 कार्बन रिंग्स होती है और 12 इसमें 5 कार्बन रिंग्स होती है, जबकि इसमें उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन है ZSM5, ये NCERT में दिया हुआ है। ये जियोलाइट जो है, ये सरफेस केमिस्ट्री में इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये जियोलाइट यूज़ करते हैं, जियोलाइट सेल शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। और CO इज़ अ कलरलेस, कार्बन फैमिली में मिल जाएगा आपको NCERT में। CO इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो ये मोरओवर एक फैक्चुअल क्वेश्चन था जो कि आप कर सकते हैं। क्वेश्चन जो इसमें है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन है। फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहा है अंडर एरिया, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन अगर इसने बोल ही दिया क्वेश्चन में, तो एडियाबेटिक में आपको पता है देर इज़ नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर कोई हीट ट्रांसफर नहीं है तो क्यू इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। क्यू इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। अब इस केस में क्या होता है, जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो ये एकदम इतनी तेजी से होता है। फ्री एक्सपेंशन होता किस में है कि जैसे आपने वैक्यूम रख दिया, तो वैसे नॉर्मल अगर अपन किसी गैस को एक सिलेंडर में ट्रैप करके रखें और उसके ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे हूँ, ठीक है, तो वो एकदम से फ्रीली ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं एकदम से ऊपर से लगने वाला प्रेशर जीरो कर दूँ, यानी वैक्यूम कर दूँ ऊपर, तो गैस तेज़ी से ऊपर जाएगी। और तेज़ी से ऊपर जाएगी तो गैस तेज़ी से ऊपर इसलिए जा रही है कि ऊपर से लगने वाला पी एक्सटर्नल मैंने जीरो कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो कर दिया। तो डब्ल्यू वर्क का फार्मूला है -P dV। अगर वर्क प्रेशर जीरो है ऊपर से लगने वाला, तो वर्क इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो डेल्टा ई होता है Q+W। हमने कहा कि एडियाबेटिक है तो क्यू तो जीरो है ही, और फ्रीली एक्सपेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो वर्क भी जीरो हो गया। तो डेल्टा ई भी इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सारे पैरामीटर इस केस में जीरो है। साथ में आपको पता है कि डेल्टा ई होता है NCV∆T, तो डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप डेल्टा एच की बात करो तो डेल्टा एच होता है NCP∆T, तो डेल्टा टी जीरो होने की वजह से डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये सारे पैरामीटर जो है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर हम आंसर के बारे में बात करें, तो एडियाबेटिक कंडीशन में जो जो ऑप्शन होगा
करेक्ट आंसर इज टू, क्यू जीरो है, डेल्टा टी जीरो है और डब्ल्यू इसमें जीरो है। डेल्टा टी जीरो कहाँ से आया, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के डेल्टा ई को जीरो किया था और डेल्टा ई जीरो होने का मतलब एन सी वी डेल्टा टी जीरो, तो वहां से मैंने लिखा कि डेल्टा टी जो है यहाँ पे जीरो हो जाएगा। हम देख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। सुक्रोज के साथ जब वाटर मिलता है तो देर विल फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इफ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज 2 × 10⁻³ केसी दिया हुआ है एट 300 केल्विन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एट द सेम टेम्परेचर विल बी। अब इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअली किस पे बेस्ड है, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, और वैसे तो देखा जाए तो इसको हम थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि केमिकल थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT, और यहाँ आता है log 10 ऑफ के या क्यू बोला रिएक्शन कोशेंट। अगर किसी क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की बात हो रही है, इसका मतलब डेफिनेटली वहाँ पे इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम पे हम डेल्टा जी लेते हैं जीरो और क्यू बिकम्स इक्वल टू के। अगर मैं इसको जीरो ले लेता हूँ तो मेरे पास फार्मूला आ गया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 ऑफ के। अब इसमें आप ही देख लीजिए कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो डेल्टा जी नोट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस RT log 10 ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा के, सॉरी log 10 नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 2.303 को आपने इसमें ले लिया तो log ई बेस में चला जाएगा, जिसको मैं ln लिख सकता हूँ के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ आर की वैल्यू पुट करूँ तो 8.314 मैं लिख सकता हूँ अगर जूल में आंसर निकालना है तो। ठीक है, और टेम्परेचर इसने 300 दे दिया क्वेश्चन में इनटू एलएन, और के की वैल्यू जो इसने दे रखी है क्वेश्चन में जो भी है 2 × 10⁻³, तो 2 × 10⁻³ हम रख देंगे और ये इसका एक्सप्रेशन होगा, समझ गए हैं, माइनस RT एलएन के में रखते हुए। तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ सेकेंड ऑप्शन माइनस 8.314 जूल पर मोल में यूनिट आएगा, पर मोल पर केल्विन, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी यूनिट मोल और केल्विन, तो जूल में आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, मोल जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट होगा, तो माइनस 8.314 इंटू टेम्परेचर 300 इंटू एलएन, ठीक है 2.303 को अपन अंदर ले गए थे, तो एलएन और के की जो वैल्यू दे रखी है इसने वो यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 × 10⁻³ पर सेकेंड। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का है, और क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, रेट कॉन्स्टेंट उसका दिया हुआ है। तो आप ये देखिए कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन में एक सीधा फार्मूला याद करना होता है हमें, के इज इक्वल टू 2.303 upon T, और यहाँ log 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लूँ मैं N0 upon AT। ये चीज़ जो है फार्मूला में याद रखना होता है, फर्स्ट ऑर्डर में ये वैलिड होता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में इसने क्या बोल दिया कि रेट कॉन्स्टेंट इज गिवन एज 4.606 × 10⁻³। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, ये पूछ रहा है टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, ये चीज़ पूछी है, रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2, तो स्टार्टिंग में ये 2 ग्राम है और बाद में ये 0.2 ग्राम है। अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो 4.606 × 10⁻³ ये हो जाएगा 2.303 upon T, और log 10 की वैल्यू जो है 1 होती है, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो टी यहाँ से क्या हो जाएगा 2.303 upon 4.606 × 10⁻³। इसको आप सोल्व करें तो ये आ जाएगा 10³/2, और इसे हम आगे सोल्व करें तो 1000/2 जो है वो होगा 500। यूनिट इसकी क्या लिखी जाएगी, सेकेंड, क्यों, क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट हमें पर सेकेंड दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि टाइम कितना चाहिए होगा 2 ग्राम को 0.2 होने में, 4 × 500। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिक्सचर वी शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ जो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है, और उससे पॉजिटिव डेविएशन जो है कौन सा सॉल्यूशन हमें शो करता है इसमें। तो
तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्यूशन कोलिगेटिव चैप्टर का क्वेश्चन है, और जो एग्जांपल्स होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन वाले, नेगेटिव डेविएशन, वो एग्जांपल याद करने होते हैं। तो ये एनसीईआरटी का सीधा एग्जांपल पार्ट का क्वेश्चन है जो कि फैक्चुअल पार्ट है, और इसका सही आंसर है इथेनॉल प्लस एसीटोन। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि ज़्यादातर एल्कोहल वाले पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और एसिड वाले जो हैं एग्जाम्पल वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन जो है था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2 इन 0.1 मोलर NaOH गिवन दैट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH2 इज 2×10⁻¹¹। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है, आयनिक इक्विलिब्रियम से, और ये अच्छा क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन ये देखें कि आयनिक प्रोडक्ट जो है, क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो हमें NiOH2 के लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो NiOH2 Ni+2 और 2OH- में बदलता है, और इसका मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP दिया हुआ है 2×10⁻¹¹। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो यानी कि S मोल पर लीटर ये डिजोल्व होगा, तो 1 से ये 1 बनता है और ये 2 बनता है। इट मीन्स S मोल अगर पानी में घुला तो S मोल निकल प्रोड्यूस होगा और 2S मोल जो है OH- प्रोड्यूस होंगे। यहाँ से हम सीधे सोल्व कर सकते थे, लेकिन अगर मैं इसको NaOH में डाल रहा हूँ, NaOH ये बोल रहा है 0.1 मोलर का सॉल्यूशन है, तो NaOH तो जो है स्ट्रॉन्ग बेस से पूरा घुल जाएगा, तो इसमें जो OH- मिलेगा इससे वो 0.1 होगा। ये पहले से सॉल्यूशन में है एंड दैट इज एक्टिंग एज ए कॉमन आयन। ठीक है, तो कॉमन आयन को मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ 0.1 में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे OH- कितना कर दिया, 2S+0.1। दोबारा लिख देता हूँ मैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, NiOH2 इज गिविंग निकल +2 +2OH-। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी S से ये S मिलेगा, ये 2S मिलेगा, और ये साथ में जो है हमें 0.1 रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने के पहले हम एक काम करते हैं, चूंकि KSP इसका बहुत कम था तो ये सॉल्युबिलिटी को मैं नेग्लिजिबल मान लेता हूँ। किसके कंपेयर में नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, 0.1 की तुलना में। अगर मैंने इसको नेग्लिजिबल मान लिया तो मेरे पास बच गया S निकल +2 के लिए और 0.1 OH- के लिए। आगे का काम हमारा क्या होता है, KSP हम लिखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकल +2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई OH- का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, मैं यहाँ KSP इसका 2×10⁻¹¹ रखता हूँ जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर ये S है तो ये 0.1 का होल स्क्वायर जाएगा 2×10⁻¹¹। सोल्व करें यदि हम इसे, तो S यहाँ पे आ जाएगा 2×10⁻¹¹। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल +2 इन 0.1 मोलर NaOH विल बी इक्वल टू 2×10⁻¹¹। ये आंसर मैच करते हैं हम, इसमें सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 2×10⁻¹¹ मोलर, ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल OH2 इन 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से। जीरो डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का डिसाइड करने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है, उसमें अलग अलग डाइपोल मोमेंट कंसिडर करने होते हैं, और नेट वेक्टर एडिशन लेना होता है। यदि कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब सारे डाइपोल मोमेंट बराबर हैं और बराबर एंगल पर है, सो दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर, तो वो सिमेट्रिकल कहलाता है। तब उस केस में नेट डाइपोल मोमेंट हम जीरो लिखते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। तो हमें ये चेक करना है बाय द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ BF3 की। BF3 में 120 डिग्री एंगल है और सारे डाइपोल मोमेंट बराबर होते हैं, तो नेट इसका जीरो हो जाएगा और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। BF2 सिमिलरली सिमेट्रिकल है और नेट डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में देख सकते हैं आप, म्यू जीरो होगा। CO2 में ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में एरो लगाएंगे हम ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, और नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। वाटर अनसिमेट्रिकल है, तो HO के बीच का डाइपोल मोमेंट HO के बीच का डाइपोल मोमेंट, तो नेट जो है वो किधर जाने वाला है, लेफ्ट टू राइट, और म्यू नेट जो है नॉट इक्वल टू जीरो वाटर के लिए। HF में डाइपोल मोमेंट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स फ्लोरिन एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। NF3 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फ्लोरीन के साथ यहाँ डाइपोल मोमेंट तीनों के हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में बेंजीन की पोजीशन 1 और 4 अपोजिट, तो यहाँ पे क्लोरीन की टुवर्ड्स डाइपोल मोमेंट म्यू होगा,
तो उतना ही अपोजिट म्यू इधर होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो इस केस में अगर मैं ऑप्शन चूज करूँ, तो पहला ऑप्शन है बोरोन ट्राईफ्लोराइड जीरो वाला, बेरिलियम डाईफ्लोराइड जीरो वाला, कार्बन डाइऑक्साइड जीरो वाला, और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन भी जीरो वाला। तो आंसर शुड बी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 71, 175 ल्यूटेशियम रेस्पेक्टिवली आर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या मोल कंसेप्ट का ही मान सकते हैं हम। तो 71 ल्यूटेशियम 175, ये इसका है एटॉमिक नंबर जेड। जेड का मतलब होता है कि इतने प्रोटोन इसमें होंगे, तो प्रोटोनों की संख्या 71 पता लग गई। जितने प्रोटॉन होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल करने के लिए उतने ही हो गए। और ये वाली जो चीज़ है 175, दिस इज कॉल्ड एज मास नंबर, ठीक है। और मास नंबर जो है ए, ये सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन हम कह चुके हैं 71 है, तो 175 इज इक्वल टू 71 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा 104। तो इस हिसाब से आंसर जो है वो सेकेंड ऑप्शन है, 71 तो प्रोटॉन है, 104 यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन भी बराबर संख्या में 71 ही होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ ऑफ बेंजीन इज 5.12 kg मोल इनवर्स। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी 0.078 स्मॉल एम कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन इज राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो एक्चुअली ये किसकी बात कर रहा है, सॉल्यूशन कोलिगेटिव का क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की। तो सीधा एक फार्मूला हमें याद रखना था कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मोलालिटी इंटू आई, आई इज अ वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अब अगर वो बोल देता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास, जिसका डिसोसिएशन भी नहीं होता है, एसोसिएशन भी नहीं होता है, तो आई की वैल्यू हम कितना ले लेते हैं, 1। आई तो 1 हो गया, ठीक है। के एफ इसे दिया हुआ है 5.12, ये के एफ लिया जाता है सॉल्वेंट के लिए, क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है। और इसके बाद मोलालिटी 0.078 दे रखी है, ठीक है। मल्टीप्लाई यदि हम इसको करेंगे दोनों नंबर को, तो सीधा आंसर 0.40 आ जाएगा। तो यहाँ से राउंडेड करके जो फोर्थ ऑप्शन है 0.40 केल्विन सीधा मल्टीप्लाई करना था, ये इसका क्लियर कट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन जो है, हमें चार ऑप्शन देख के लग रहा है कि ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेटलर्जी के क्वेश्चन में हम आगे बात करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू है वैरायटी ऑफ शेप्स। तो एक्चुअली जो ब्लास्ट फर्नेस में हेमेटाइट ओर से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन का, तो जो आयरन वहाँ से मिलता है उसको हम सीधा जो है डिफरेंट मोल्ड में रख देते हैं, और इससे जो प्राप्त होने वाला आयरन है वो पिग आयरन कहलाता है। तो वो जो खांचा हम रखते हैं, जो शेप का हम माउल्ड रखते हैं, उसमें उसी शेप में वो आ जाता है। इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है कि पिग आयरन कैन बी माउल्डेड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप्स, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में विचार करते हैं, रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन। गलत, रॉट आयरन जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है जिससे शीट बनाई जाती है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। थर्ड ऑप्शन है, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है कि जब हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करके, कॉपर पाइराइट से एक्सट्रैक्ट करके हम उसको जब ठंडा करते हैं, तो उसमें जो SO2 गैस होती है वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है, और उस वजह से उसमें बुलबुले आ जाते हैं और ब्लिस्टर टाइप का कहलाता है वो। तो इवोल्यूशन ऑफ SO2 की वजह से ऐसा होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरीड आउट फॉर निकल बाई वान अर्कल मैथड। तो यहाँ पे वेपर फेज रिफाइनिंग जो है निकल के लिए की जाती है, लेकिन उस प्रोसेस का नाम है मोंड प्रोसेस। तो वान अर्कल गलत दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो वो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन पिग आयरन वाला।